हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस वेब सीरीज़ के ऊपर बातचीत करने वाले उसका नाम है रेलवे मैन द रेलवे मैन द अनटोल स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 तो इसके ऊपर कहानी के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई गई है तो उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले इस वेब सीरीज़ को कैसे कहाँ पे आप ऑफिशियली देख सकोगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर भी डिटेलिंग मिलेगी इसके अलावा फिल्म से जुड़े वेब सीरीज से जुड़े जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें वो शेयर की जाएगी प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मिंग बजट के ऊपर डिटेलिंग मिलेगी कहानी के ऊपर चर्चा की जाएगी किस तरह से कैसे क्या चीज़ें दिखाई हुई है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे इसके अलावा इसमें टोटल चार एपिसोड्स है उनके ऊपर डिप में चर्चा करेंगे एक मिनी सीरीज़ है तो उसके ऊपर एक प्रॉपर बातचीत होने वाले तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो वीडियो शुरू करते हैं द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेकलाइन है ये एक दो हज़ार इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविज़न में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रेस्ट ट्रेटिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग्स की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन करीबन पंद्रह बीस हजार लोग उसमें मरे हुए थे जहाँ पे और उसमें करीबन छह लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीजें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो द, जो डेट द, थी वो दो दिसंबर 1984 से तीन दिसंबर 1984 तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी तरह से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते सभी चीजें हुई थी उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीजों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपनी तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीजें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई सिर रवेल के द्वारा स्क्रीन प्लेय डरेक्शन तैयार किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मेनन दिव्यांदू बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज के साथ जुड़ते हुए नजर आए चार एपिसोड की सीरीज है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे एक मिनी सीरीज तैयार की गई है वायर फिल्म के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर वा, यशराज फिल्म्स के द्वारा एक मिनी सीरीज़ तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीज़न है वायर एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही कम्पोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज़ में आता है वहाँ पे वो जनरल मैनेजर थे के के मैन इसमें इफ्तार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है याद इस फिल्म में बल बल्व, बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ है बाबिल खान इमाजराइज का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो लोको पायलट थे जो एक इनएक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदुजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्यन्दू भट्टाचार्य इस फिल्म में कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कार्बेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेडसेन से, का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पाहरगवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नापूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की वाइफ का रोल है खान ने इस फिल्म में मारथन मार्कन का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजय की डॉटर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और उसको सिवा रवेल नहीं किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज़ है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए प्लस की रेटिंग है कोई न्यूडिटी वलगरेटी इस वेब सीरीज में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी में तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गेस्ट ट्रेजिडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी है उसमें सबसे वर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइनटीटी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पर और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे मैन के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइमलाइट में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको सेक्रीफाइज उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साउल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म में जिस तरह यूनियन कार्बेज वर्कर के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोवर सेफ्टी मेजरमेंट थे, थे प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी टेरिफिक नज़र आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गवा दे देते कुछ गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जाके इस चीज़ें हो सकती है लेकिन किसों के भोपाल के लोगों को ये सभी चीज़ों का भनक भी नहीं था जहाँ पे ये सब चीज़ें जब हुई तब जिस तरह से जो चीज़ें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पर आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मज़बूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कि एक एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नजर आती है के के मेनन एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रे करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवान है दिव्य बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह तो से परफॉर्मेंस निकलवाए वो बढ़िया है दिवेंदू जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्जापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है पाबिल का पा खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के, के, के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो एक टू बढ़े और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज़ में सब सपलोड डाले हुए सप्लोट्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पे कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप सप्लोड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेश बेहतर हो जाती और जो ट्रेजडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता आर माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मैनर में, में लिखा जा सकता था वायरफ एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज़ में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है वायरब की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नजर आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावल ने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को दिखाया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलती है भोपाल के में वो भी अच्छी नजर आती है उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल मिला के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंग हीरोज़ के बारे में बातचीत करती है तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सन ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल के ट्रेजडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजडी को और थोड़ा डीप में जाके दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसेज जहाँ पे के मैनन दिवेंदू बाबिल खान आर सभी की परफॉर्मेंस लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते दो चार घंटे की वेब सीरीज है इसे डेफिनेटली देखना चाहिए चार एपिसोड में खत्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाय किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 सौ वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा सा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल मैं आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मेन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज़ को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को अप किया हुआ है वो बढ़िया है। चीज़ों को जिस तरह दिखाया, है वो अच्छा है इसे ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेकलाइन है ये एक दो के इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविज़न में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी गैस ट्रेजिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग्स की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन करीबन पंद्रह बीस हजार लोग उसमें मरे हुए थे जहां पे और उसमें करीबन छ लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीजें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो दा जो डेट थी वो दो दिसंबर 1984 से तीन दिसंबर 1984 तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते सभी चीज़ें हुई थी तो उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीज़ों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपनी तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीज़ें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है शिव रवा रावेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई सीरियर रवेल के द्वारा स्क्रीन प्लेयर डरेक्शन तैयार किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मैनन दिव्यांदू बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज़ के साथ जुड़ते हुए नजर आए चार एपिसोड की सीरीज़ है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे एक मिनी सीरीज तैयार की गई वायरफ फिल्म के इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर वाज वा, फिल्म्स के द्वारा एक मिनी सीरीज तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीज़न है वायर एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज में आता है वहाँ पर वो जनरल मैनेजर थे के के मैनन इसमें इफ्तिकार सिद्दकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है याद इस फिल्म में बल बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ बाबिल खान इमाज रायस का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो लोको पायलट थे जो एक इन एक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदूजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्यन्दू भट्टाचार्य इस फिल्म में कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कारबेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेट से, मेटसन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पाहरगवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नपूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो है इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन वाइफ का रोल है खान ने इस फिल्म में मार्थन मार्कन का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजया की डॉटर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको आ, करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और आ, उसको सिवा रवेल नहीं किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए सिक्सटीन प्लस की रेटिंग है कोई न्यूडिटी वर्गरेटी इस वेब सीरीज में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी में तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गेस्ट ट्रेजिडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजडी है उसमें सबसे वर्ष ट्रेजडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइनटीटी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पर और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे में के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइमलाइट में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज हीरोजे रेलवे वर्कर उनको सेक्रीफाइज उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साउल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म जिस तरह यूनियन कार्बेज वर्कर के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोवर सेफ्टी मेजरमेंट थे से, मेजर्स थे प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ वो काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई है हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी टेरिफिक नज़र आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गँवा देते कुछ गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले ही इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जाके चीज़ें हो सकती है लेकिन किसों के भोपाल के लोगों को ये सभी चीज़ों का भनक भी नहीं था जहाँ पे ये सब चीज़ें जब हुई तब जिस तरह से जो चीज़ें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पे आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मजबूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कि एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नज़र आती है के के मैनन एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रे करते हुए नज़र आते इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवन है दिव्यन्दू है बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है दिवेंदू जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है पाबिल का खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के के, के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो एक टू बढ़े और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज में सब सप्लॉट डाले हुए कुछ सप्लॉट्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पे कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप सपलोड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेश बेहतर हो जाती और जो ट्रेजडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता आर माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मेनर में लिखा जा सकता था वायरफ एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज़ में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज़ हुआ ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावेल इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को दिखाया आया हुआ जो रिसर्च उनके देखने को मिलते भोपाल के में वो भी अच्छी नजर आते हैं उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीजों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल cool मिला के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंग हीरोज़ के बारे में बातचीत करती है तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजेडी को और थोड़ा डीप में जाके दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसेज जहाँ पे के मेनन दिवेंदू बाबिल खान आर सभी की परफॉमेंस लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते दो चार घंटे की वेब सीरीज है इसे डेफिनेटली देखना चाहिए चार एपिसोड में ख़त्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाई किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 सौ वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट सात की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा सा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल में आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर धर रेलवे मेन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मन मेन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो Netflix ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज़ को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइट अप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह सिखाए वो अच्छा है इसे जरूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेकलाइन है ये 2023 के इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविजन में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रेस ट्रेजिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग्स की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन करीबन पंद्रह बीस हजार लोग उसमें मरे हुए थे जहाँ पे और उसमें करीबन छह लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीजें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो द, जो डेट थी वो दो दिसंबर 1984 से तीन दिसंबर 1984 तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी तरफ से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते ये सभी चीज़ें हुई थी उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीज़ों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपनी तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीज़ें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है शिव रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई सीर रवेल के द्वारा स्क्रीन प्लेयर डिरेक्शन तैयार किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मैनन दिव्यांदू बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज़ के साथ जुड़ते हुए नजर आए चार एपिसोड की सीरीज है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे एक मिनी सीरीज तैयार की गई वायरफ फिल्म के इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर वाज वा, फिल्म के द्वारा एक मिनी सीरीज तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीजन है वायर एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड उसको उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज़ में आता है वहाँ पर वो जनरल मैनेजर थे के के मैनर इसमें इफ्तार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है यादव इस फिल्म में बल बल्व, बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ है बाबिल खान इमाज राइज का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो लोको पायलट थे जो एक इनएक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदुजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्यन्दू भट्टाचार्य इस फिल्म में कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कारबेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेट्स मेडसिन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पहरगवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नपूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो है इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की वाइब का रोल है थनू खान ने इस फिल्म में मारथन मार्कन का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजया की डॉटर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको आ, करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और आ, उसको डिरेक्ट सिवा रवेल नहीं किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए सिक्सटीन प्लस की रेटिंग है कोई न्यूडिटी वलगरेटी वेब सीरीज में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को में फोकस किया हुआ है है वैसे बताया, बता दे आपको कि ये जो गैस दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी है उसमें सबसे वर्ष ट्रेजिडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइनटीटी की रात को हुआ था यूनियन गार्बेज इंडिया लिमिटेड यूसी में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पे और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज़ को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे मैन के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइमलाइट में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको सेक्रीफाइज की उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साउल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म में जिस तस यूनियन कार्बेज वर्कर के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोवर सेफ्टी मेजरमेंट थे, थे प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई है हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी टेरिफिक नज़र आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गँवा देते कुछ गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जाके चीज़ें हो सकती है लेकिन भोपाल के और लोगों को ये सभी चीजों का भनक भी नहीं था जहां पे ये सब चीजें जब हुई तब जिस तरह से जो चीजें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पर आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मज़बूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कि एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नज़र आती है के के मेनन एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रे करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर ने है दिव्यांदू है बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाए वो बढ़िया है दिवेंदू जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है बाबिल का खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के, के, के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसिस है वो एक टू गए और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज में सब सप्लॉट डाले हुए कुछ सप्लॉट्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पर कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में, में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें है वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप सप्लॉड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेस बेहतर हो जाती और जो ट्रेजिडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहे था माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मैनर में लिखा जा सकता था वायरप एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज़ में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है वायरप की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज़ हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावेल ने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जो तरह से इस प्रोजेक्ट को दिखाया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलते भोपाल के स्ट्रेजिडी में वो भी अच्छी नज़र आते हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल मिला के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंग हीरोज के बारे में बातचीत करती है तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी के ऊपर थोड़ा और लाइटअप कर देते उस ट्रेजेडी को और थोड़ा डीप में जाके दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसेज जहाँ पे के के मैनन दिवेंदू बाबिल खान सभी की परफॉर्मेंस लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते दो चार घंटे की वेब सीरीज है इसे देखना चार एपिसोड में खत्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाई किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा सा, अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल में आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मेन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज़ को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइट अप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह सिखाए वो अच्छा है इसे जरूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेकलाइन है ये दो के इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविज़न में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जान बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रेस्ट ट्रेटिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग्स की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन करीबन पंद्रह बीस हजार लोग उसमें मरे हुए थे जहाँ पे और उसमें करीबन छः लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो दा जो डेट थी वो दो दिसंबर 1984 से तीन दिसंबर 1984 तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी तरफ से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते ये सभी चीज़ें हुई थी उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज़ का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज़ के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीज़ों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपनी तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीज़ें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है शिव रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई शिव रवेल के द्वारा स्क्रीन प्ले डायरेक्शन तैयार किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मेनन दिव्यान्दू बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज़ के साथ जुड़ते हुए नजर आए चार एपिसोड की सीरीज़ है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे एक मिनी सीरीज तैयार की गई वायर एफ फिल्म के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर यसराज फिल्म के द्वारा एक मिनी सीरीज़ तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीज़न है वायरफ एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही कम्पोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज़ में आता है वहाँ पे वो जनरल मैनेजर थे के के मैनन इसमें इफ्तिकार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है यादव इस फिल्म में बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ है बाबिल खान इमाज रायस का रोल प्ले करते नज़र आएंगे जो लोको पायलट थे जो एक इनएक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदूजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्यन्दू भट्टाचार्य इस फिल्म में अः कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कार्बेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेट्स मेटसिन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पाहरगवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नपूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की इब का रोल है थनू खान ने इस फिल्म में मारथन मार्कन का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलू का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजया की डॉटर का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और उसको डायरेक्ट सिवा रवेल नहीं किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज़ है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए सिक्सटीन प्लस की रेटिंग है कोई न्यूडिटी वर्गरिटी इस वेब सीरीज में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज़ है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी में तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गेस्ट ट्रेजिडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी है उसमें सबसे वर्ष ट्रेजिडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइन्टीटी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पर और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे मैन के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइमलाइट में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको की उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साउल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म जिस तरह यूनियन कार्बेज वर्कर के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोवर सेफ्टी मेजरमेंट थे मेजर थे प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई है हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी टेरिफिक नज़र आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गँवा देते कुछ Yeah. गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जाके इस चीज़ें हो सकती है लेकिन किसों के भोपाल के लोगों को ये सभी चीज़ों का भनक भी नहीं था जहाँ पर ये सब चीज़ें जब हुई तब जिस तरह से जो चीजें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पर आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मजबूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कि एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नजर आती है के के मेनन एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रेट करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवन है दिव्यन्दू है बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है दिवेंदू जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है पाबिल का खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के, के, के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसिस है वो एक टू है और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज में सब सपलोड डाले हुए कुछ सपलोड्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पर कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप अपलोड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेश बेहतर हो जाती और जो ट्रेजेडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहे था आर माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मैनर में, में लिखा जा सकता था वायरेप एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज़ में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है वायरेप की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावल इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जो इस तरह इस प्रोजेक्ट को दिखाया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलते हैं भोपाल के स्ट्रेजिडी में वो भी अच्छी नज़र आते हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल मिला के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंग हीरोज़ के बारे में बातचीत करते हैं जिस तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल के इस ट्रेजडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजेडी को और थोड़ा डीप में जाके दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसेज जहाँ पे के के मैनन दिवेंदू बाबिल खान आर सभी की परफॉर्मेंसेस लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते दो चार घंटे की वेब सीरीज है इसे देखना चार एपिसोड में खत्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाई किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 सौ वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल मैं आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मेन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज़ को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइट अप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह दिखाए वो अच्छा है इसे जरूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेकलाइन है ये एक दो के इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविजन में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रेस्ट ट्रेजिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन करीबन पंद्रह बीस हज़ार लोग उसमें मरे हुए थे जहाँ पे और उसमें करीबन छः लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो द, जो डेट थी वो दो दिसंबर 1984 से तीन दिसंबर 1984 तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज़ थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी तरफ से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते ये सभी चीज़ें हुई थी उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज़ का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज़ के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीज़ों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपने तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीज़ें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है शिव रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई है शिव रवेल के द्वारा स्क्रीन प्ले डायरेक्शन तैयार किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मेनन दिव्यांदू बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज़ के साथ जुड़ते हुए नज़र आए चार एपिसोड की सीरीज़ है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे एक मिनी सीरीज़ तैयार की गई वायर एफ फिल्म के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर, वायर यसराज फिल्म के द्वारा एक मिनी सीरीज़ तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीजन है वायर एफ एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही कम्पोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज़ में आता है वहाँ पे वो जनरल मैनेजर थे के के मैनन इसमें इफ्तिकार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है याद इस फिल्म में बल बल्व, बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ है बाबिल खान इमाजराइज का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो लोको पायलट थे जो एक इनएक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदुजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रि, प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्यन्दू भट्टाचार्य इस फिल्म में कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कार्बेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेट्स मेटसेन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पहरगवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नापूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की वाइफ का रोल है थनू खान ने इस फिल्म में मार्थन मार्कन का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजया की डॉटर का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज़ में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको आ, करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और आ, उसको डायरेक्ट सिवा रवेल नहीं किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज़ है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए प्लस की रेटिंग है कोई न्यूडिटी वर्गरेटी वेब सीरीज में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज़ है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी में तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गेस्ट ट्रेजिडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी है उसमें सबसे वर्स्ट ट्रेजडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइनटीटी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पर और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे मैन के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइमलाइट में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको सेक्रीफाइज उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म जिस तरह यूनियन कार्बेज वर्कर के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोअर सेफ्टी मेजरमेंट थे मेजर से प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफी टेरिफिक नजर आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गवा देते कुछ गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले ही इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जाके चीज़ें हो सकती है लेकिन किसों के भोपाल के लोगों को ये सभी चीज़ों का भनक भी नहीं था जहाँ पे ये सब चीजें जब हुई तब जिस तरह से जो चीज़ें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पर आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मज़बूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कि एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नज़र आती है के के मेनन एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रे करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवन है दिव्यू है बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है दिवेंदू जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्जापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है पाबिल का खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के, के, के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसिस है वो एक टू है और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज में सब सपलोड डाले हुए कुछ सपलोड्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पर कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप सपलोड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ ऐड कर देते तो चीज़ें पेस बेहतर हो जाती और जो ट्रेजिडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता आर माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मैनर में, में लिखा जा सकता था वायरेप एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नजर आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावल इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को दिखाया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलती है भोपाल के स्ट्रेटजी में वो भी अच्छी नजर आते हैं उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल cool के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंग हीरोज़ के बारे में बातचीत करती है तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजेडी को और थोड़ा डीप में जा दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसेज जहाँ पे के के मैनन दिवेंदू बाबिल खान आरम मां दोनों सभी की परफॉर्मेंसेस लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते हैं 2-4 घंटे की वेब सीरीज है इसे डेफिनेटली देखना चाहिए चार एपिसोड में खत्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाय किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 सौ वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा सा, अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल में आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मैन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मैन मेन वेब सीरीज़ को अगर आपको फ़िलहाल में देखना है तो देख सकते हो Netflix ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज़ को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइट अप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह दिखाया है वो अच्छा है इसे ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल नाइनटी ये उनकी टेकलाइन है ये एक दो हज़ार इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविज़न में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रेस ट्रेजिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग्स की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीब करीबन पंद्रह बीस हजार लोग उसमें मरे हुए थे जहाँ पे और उसमें करीबन छः लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो द, जो डेट द, थी वो दो दिसंबर नाइन्टी से तीन दिसंबर नाइन्टी तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी तरफ से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते ये सभी चीज़ें हुई थी उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज़ के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीज़ों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपने तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीज़ें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है शिव रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई है शिव रवेल के द्वारा स्क्रीन प्ले डायरेक्शन तैयार किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मैनन दिव्यन्दू बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज़ के साथ जुड़ते हुए नज़र आए चार एपिसोड की सीरीज़ है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे एक मिनी सीरीज तैयार की गई वायर एफ फिल्म के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर व्यसराज फिल्म के द्वारा एक मिनी सीरीज़ तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीजन है वायर एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही कम्पोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज में आता है वहाँ पे वो जनरल मैनेजर थे के के मैनन इसमें इफ्तिकार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है याद इस फिल्म में बल बल्व, बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ है बाबिल खान रायस का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो लोको पायलट थे जो एक इन एक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदूजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्यन्दू भट्टाचार्य इस फिल्म में अः कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कारबेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेट से, मेडसिन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पाहरगवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नपूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की वाइफ का रोल है तनू खान ने इस फिल्म में मार्थन मारकंड का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजया की डॉटर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और उसको डिरेक्ट सिवा रवेल ने किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए सिक्सटीन प्लस की रेटिंग है कोई न्यूडिटी वर्गरिटी वेब सीरीज में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी में तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गेस्ट ट्रेजिडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी है उसमें सबसे वर्स्ट ट्रेजिडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइनटीटी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पर और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे में के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइमलाइट में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको सेक्रीफाइज उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साउल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म में जिस तरह यूनियन कार्बेज वर्कर के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोवर सेफ्टी मेजरमेंट से, थे प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफी टेरिफिक नजर आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गंवा देते कुछ गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले ही इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जाके चीज़ें हो सकती है लेकिन किसों के भोपाल के लोगों को ये सभी चीज़ों का भनक भी नहीं था जहाँ पे ये सब चीज़ें जब हुई तब जिस तरह से जो चीज़ें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पे आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मजबूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कि एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नज़र आती है के के मैनन एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रे करते हुए नज़र आते इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवन है दिवेंदू है बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है दिवेंदू जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है बाबिल का खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के, के, के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो एक टू है और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज में सपलोट डाले हुए कुछ सपलोट्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फ़ोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पर कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप सप्लॉड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेस बेहतर हो जाती और जो ट्रेजिडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता आर माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मेनर में लिखा जा सकता था वायरेप एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज़ में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नजर आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावल ने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जो इस तरह इस प्रोजेक्ट को दिखाया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलते हैं भोपाल गैस ट्रेजी में वो भी अच्छी नज़र आती है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल मिला के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसन हीरोज़ के बारे में बातचीत करती है तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल के ट्रेजेडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजेडी को और थोड़ा डीप में जा दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसेज जहाँ पे के के मैनन दिवेंदू बाबिल खान आर सभी की परफॉर्मेंसेस लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते दो चार घंटे की वेब डेफिनेटली देखना चाहिए चार एपिसोड में खत्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाई किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 सौ वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट सात की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा सा अच्छा सा रिस्पॉस मिला हुआ इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल में आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मेन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइट अप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह सिखाया वो अच्छा है इसे ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेकलाइन है ये एक के इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविज़न में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रेस ट्रेजिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग्स की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन करीबन पंद्रह बीस हजार लोग उसमें मरे हुए थे जहाँ पे और उसमें करीबन छ लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीजें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो द, जो डेट द, थी वो दो दिसंबर 1984 से तीन दिसंबर 1984 तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी तरफ से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते ये सभी चीज़ें हुई थी उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीज़ों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपनी तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीज़ें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है शिव रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई सीर रवेल के द्वारा स्क्रीन प्ले डिरेक्शन तैयार किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मेनन दिव्यांदू बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज़ के साथ जुड़ते हुए नजर आए चार एपिसोड की सीरीज है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे एक मिनी सीरीज तैयार की गई वायर फिल्म के इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायरसराज वा, फिल्म के द्वारा एक मिनी सीरीज तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीजन है वायर एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही कम्पोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज में आता है वहाँ पे वो जनरल मैनेजर थे के के मैन इसमें इफ्तार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है यादव इस फिल्म में बल बल्व, बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ है बाबिल खान इमाज रायस का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो लोको पायलट थे जो एक इनएक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदुजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्येंदु भट्टाचार्य इस फिल्म में कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कारबेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेट्स मेटसन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पहरगवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नपूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो है इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की वाइफ का रोल है धनू खान ने इस फिल्म में मारथन मार्कन का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजया की डॉटर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज़ में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको आ, करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और आ, उसको डिरेक्ट सिवा रवेल नहीं किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज़ है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए सिक्सटीन प्लस की रेटिंग है कोई न्यू डिटी वर्ल वेब सीरीज में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज़ है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी में तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गैस ट्रेजेडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी है उसमें सबसे वर्ष ट्रेजडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइन्टीटी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पर और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे में के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइमलाइट में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको की उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साउल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म में जिस तरह से यूनियन कार्बेज वर्कर के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोवर सेफ्टी मेजर थे, थे प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई है हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफी टेरिफिक नजर आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गवा देते कुछ गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले ही इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जा के चीज़ें हो सकती है लेकिन किसों के भोपाल के लोगों को ये सभी चीज़ों का भनक भी नहीं था जहाँ पे ये सब चीज़ें जब हुई तब जिस तरह से जो चीज़ें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पर आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉरमेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मजबूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नज़र आती है के के एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रे करते हुए नज़र आते इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवन है दिव्य बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाए वो बढ़िया है दिवेंदु जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है बाबिल का खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के, के, के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसी है वो एक टू है और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज में सपलोड डाले हुए कुछ सपलोड्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पे कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें है वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप अपलोड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेस बेहतर हो जाती और जो ट्रेजडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता आर माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंसीज अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मैनर में, में लिखा जा सकता था वायरेप एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज़ में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है वायरेप की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज़ हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावेल ने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को खाया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलते हैं भोपाल के स्ट्रेजडी में वो भी अच्छी नज़र आते हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल मिला के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंग हीरोज के बारे में बातचीत करती है तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजेडी को और थोड़ा डीप में जाके दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसेज जहाँ पे के के मैनन दिवेंदू बाबिल खान आर माधवन सभी की परफॉर्मेंसिस लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते हैं दो चार घंटे की वेब सीरीज है इसे डेफिनेटली देखना चाहिए चार एपिसोड में खत्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाई किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा सा, अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल मैं आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मेन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो Netflix ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज़ को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइट अप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह सिखाए वो अच्छा है इसे ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेकलाइन है ये दो के की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविज़न में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रेस ट्रेजिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग्स की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन अः करीबन पंद्रह बीस हजार लोग उसमें मरे हुए थे जहाँ पे आ, और उसमें करीबन छ लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीजें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो द, जो डेट थी वो दो दिसंबर 1984 से तीन दिसंबर 1984 तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी तरफ से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते ये सभी चीज़ें हुई थी उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज़ का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज़ के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीज़ों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपनी तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीज़ें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है शिव रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई सिर रवेल के द्वारा स्क्रीन प्ले डिरेक्शन तैयार किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आरमाधवन के के मैनन दिव्यन्दू बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज के साथ जुड़ते हुए नजर आए चार एपिसोड की सीरीज है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे एक मिनी सीरीज तैयार की गई है वायरफ फिल्म के इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर यशराज फिल्म के द्वारा एक मिनी सीरीज तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीज़न है वायर एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैग्राउंड उसको उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज़ में आता है वहाँ पर वो जनरल मैनेजर थे के के मैन इसमें इफ्तार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्सन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है यादव इस फिल्म में बलव बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ है बाबिल खान इमाज राइज का रोल प्ले करते नज़र आएंगे जो लोग पायलट थे जो एक इनएक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदूजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रि, प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिब्यन्दु भट्टाचार्य ने इस फिल्म में कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कार्बेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेट्स से, मेटसन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पार्गवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नपूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो है इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की वाइफ का रोल है तनू खान ने इस फिल्म में मार्थन मार्कन का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजया की डॉटर का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और उसको डायरेक्ट सिवा रवेल नहीं किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए सिक्सटीन प्लस की रेटिंग है कोई न्यूडिटी वर्गरिटी वेब सीरीज में ऐड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 1984 में तो उस इंसिडेंट के दौरान जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गैस ट्रेजिडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी है उसमें सबसे वर्ष ट्रेजडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइन्टी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पे और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे मैन के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइमलाइट में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको सेक्रीफाइज उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म में जिस तरह यूनियन कार्बेज जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोवर सेफ्टी मेजरमेंट से मेजर से प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी टेरिफिक नज़र आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गवा देते कुछ गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जाके इस चीज़ें हो सकती है लेकिन किसों के भोपाल के लोगों को ये सभी चीज़ों का भनक भी नहीं था जहाँ पे ये सब चीज़ें जब हुई तब जिस तरह से जो चीज़ें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पर आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मज़बूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कि एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नजर आती है के के मेनन एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रेट करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवन है दिवेंदू है बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाए वो बढ़िया है दिवेंदू जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है पाबिल का खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के, के, के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसिस है वो एक टू है और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज़ में सब सपलोड डाले हुए कुछ सपलोड्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पे कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप सपलोड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेस बेहतर हो जाती और जो ट्रेजिडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहे था आर माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मैनर में, में लिखा जा सकता था वायरेप एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज़ में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है वायरेप की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावल इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को दिखाया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलते भोपाल के स्ट्रेजिडी में वो भी अच्छी नज़र आते हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल cool, मिला के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंग हीरोज़ के बारे में बातचीत करती है तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल के ट्रेजेडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजेडी को और थोड़ा डीप में जाके दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसिस जहाँ पे के के मैनन दिवेंदू बाबिल खान आर माधवन सभी की परफॉर्मेंसी लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते दो चार घंटे की वेब सीरीज है इसे डेफिनेटली देखना चाहिए चार एपिसोड में ख़त्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाई किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 सौ वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा सा, अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल मैं आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मेन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज़ को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइटअप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह दिखाया है वो अच्छा है इसे ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेग है ये एक दो हज़ार इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविज़न में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी गैस ट्रेटिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग्स की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन करीबन पंद्रह बीस हजार लोग उसमें मरे हुए थे जहाँ पे और उसमें करीबन छः लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो दा जो डेट थी वो दो दिसंबर 1984 से तीन दिसंबर 1984 तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज़ थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी तरफ से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते ये सभी चीज़ें हुई थी उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज़ का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज़ के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीज़ों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपने तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीज़ें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है शिव रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई है शिव रवेल के द्वारा स्क्रीन प्ले डायरेक्शन तैयार किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मेनन दिव्यांदू बा खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज़ के साथ जुड़ते हुए नज़र आए चार एपिसोड की सीरीज़ है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे आ, एक मिनी सीरीज़ तैयार की गई है वायर एफ फिल्म के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर यसराज फिल्म के द्वारा एक मिनी सीरीज़ तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीजन है वायर एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही कम्पोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज़ में आता है वहाँ पे वो जनरल मैनेजर थे के के मैनर इसमें इफ्तार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है याद इस फिल्म में बलव बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ बाबिल खान इमाज रायस का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो लोको पायलट थे जो एक इन एक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदुजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्यन्दू भट्टाचार्य इस फिल्म में कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कारबेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेट्स से, मेटसन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पाहरगवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नापूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की वाइफ का रोल है धनू खान ने इस फिल्म में मार्थन मार्कन का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजय की डॉटर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और उसको सिवा रवेल नहीं किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज़ है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए प्लस की रेटिंग है कोई न्यूडिटी वर्गरिटी वेब सीरीज में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज़ है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी में तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गेस्ट ट्रेजिडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी है उसमें सबसे वर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइनटीटी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पर और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे मैन के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइम में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको सेक्रीफाइज उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म जिस तरह यूनियन कार्बेज वर्कर के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो ओवर सेफ्टी मेजरमेंट थे से, मेजर थे प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ वो काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई है हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी टेरिफिक नज़र आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गँवा देते कुछ Yeah. गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले ही इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जाके इस चीज़ें हो सकती है लेकिन किसों के भोपाल के लोगों को ये सभी चीज़ों का भनक भी नहीं था जहाँ पर ये सब चीज़ें जब हुई तब जिस तरह से जो चीजें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पर आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मज़बूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नज़र आती है के के मैनन एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रे करते हुए नज़र आते इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवन है दिव्यन्दू है बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाई वो बढ़िया है दिवेंदु जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्जापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है बाबिल का खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के, के के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो एक टू बढ़े और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज में सब सप्लॉट डाले हुए कुछ सप्लॉट्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पे कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप सप्लोड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेश बेहतर हो जाती और जो ट्रेजडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता आर माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मेनर में लिखा जा सकता था वायरफ एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज़ में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है वायरब की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नजर आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावल ने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को दिखाया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलती है भोपाल के में वो भी अच्छी नजर आती है उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल मिला के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंक हीरोज़ के बारे में बातचीत करती है तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल के ट्रेजडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजडी को और थोड़ा डीप में जाके दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसेज जहाँ पे के मेनन दिवेंदू बाबिल खान आर सभी की परफॉर्मेंस लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते दो चार घंटे की वेब सीरीज है इसे देखना चार एपिसोड में खत्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाय किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 सौ वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा सा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल मैं आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मेन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो Netflix ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज़ को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइट अप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह दिखाया है वो अच्छा है इसे ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेक लाइन है ये एक 2023 के इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविजन में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी गैस्ट्रेजीडी ट्रेजिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन करीबन पंद्रह बीस हज़ार लोग उसमें मरे हुए थे जहाँ पे और उसमें करीबन छः लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो द, जो डेट द, थी वो दो दिसंबर नाइन्टी से तीन दिसंबर नाइन्टी तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गैस ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी तरफ से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते ये सभी चीज़ें हुई थी उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज़ के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीज़ों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपने तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीज़ें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है शिव रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई है शिव रवेल के द्वारा स्क्रीन प्ले डायरेक्शन तैयार किया गया है हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मेनन दिव्यन्दू बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज़ के साथ जुड़ते हुए नज़र आए चार एपिसोड की सीरीज़ है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे आ, एक मिनी सीरीज़ तैयार की गई है वायरफ फिल्म के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर यसराज फिल्म के द्वारा एक मिनी सीरीज़ तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीज़न है वायरफ एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही कम्पोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज में आता है वहाँ पे वो जनरल मैनेजर थे के के मैन इसमें इफ्तार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है यादव इस फिल्म में बल बल्व, बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ बाबिल खान इमाज रायस का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो लो, लोको पायलट थे जो एक इनएक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदुजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्यन्दू भट्टाचार्य इस फिल्म में कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कारबेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेट्स मेटसेन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पार्गवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नपूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की वाइब का रोल है तनू खान ने इस फिल्म में मार्थन मार्कन का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजया की डॉटर का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और उसको डायरेक्ट सि रवेल नहीं किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज़ है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए सिक्सटीन प्लस की रेटिंग है कोई न्यूडिटी डिटी वर्ल्गर वेब सीरीज में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज़ है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी में तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गैस ट्रेजिडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी है उसमें सबसे वर्स्ट ट्रेजिडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइनटीटी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पर और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे मैन के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइमलाइट में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको सेक्रीफाइज उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साउल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म में जिस तरह यूनियन कार्बेज वर्कर के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोवर सेफ्टी मेजरमेंट थे मेजर्स थे प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई है हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी टेरिफिक नज़र आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गँवा देते कुछ Yeah. गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले ही इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जाके चीज़ें हो सकती है लेकिन किसों के भोपाल के लोगों को ये सभी चीज़ों का भनक भी नहीं था जहाँ पे ये सब चीज़ जब हुई तब जिस तरह से जो चीजें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पर आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मजबूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कि एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नज़र आती है के के मैनन एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रे करते हुए नज़र आते इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवन है बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाए वो बढ़िया है दिवेंदू जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है पाबिल का खान जिन्होंने अपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के, के के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो एक टू है और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज में सब लोट डाले हुए कुछ सप्लॉट्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फ़ोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पर कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें है वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप सपलोड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेस बेहतर हो जाती और जो ट्रेजिडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता आर माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंसेज अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मैनर में लिखा जा सकता था वायर एफ एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया है इस वेब सीरीज़ में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नजर आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावल इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ इस तरह से इस प्रोजेक्ट को दिखाया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलते भोपाल के स्ट्रेटजी में वो भी अच्छी नज़र आती है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल मिला के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंग हीरोज़ के बारे में बातचीत करती है तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजेडी को और थोड़ा डीप में जाके दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसेज जहाँ पे के के मैनन दिवेंदू बाबिल खान आर सभी की पर लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते दो चार घंटे की वेब डेफिनेटली देखना चाहिए चार एपिसोड में खत्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाई किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 सौ वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट सात की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा सा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल में आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मेन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइट अप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह सिखाए वो अच्छा है इसे ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेगलाइन है ये दो के इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविज़न में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रेस ट्रेजिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन करीबन पंद्रह बीस हजार लोग उसमें मरे हुए थे जहाँ पे और उसमें करीबन छः लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो दा जो डेट थी वो दो दिसंबर 1984 से तीन दिसंबर 1984 तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज़ थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी तरफ से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते ये सभी चीज़ें हुई थी तो उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज़ का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज़ के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीज़ों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपने तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीज़ें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है शिव रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई है शिव रवेल के द्वारा स्क्रीन प्ले डायरेक्शन तैयार किया गया है हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मैनन दिव्यादू बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज के साथ जुड़ते हुए नजर आए चार एपिसोड की सीरीज है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे एक मिनी सीरीज़ तैयार की गई वायर एफ फिल्म के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर व्यसराज फिल्म के द्वारा एक मिनी सीरीज़ तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीजन है वायर एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही कम्पोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज़ में आता है वहाँ पे वो जनरल मैनेजर थे के के मैनर इसमें इफ्तार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है याद इस फिल्म में बल बल्व, बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ बाबिल खान इमाज रायस का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो लोको पायलट थे जो एक इन एक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदूजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्येंदु भट्टाचार्य इस फिल्म में कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कारबेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेट्स मेडसेन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पहारगवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नपूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की वाइफ का रोल है तनू खान ने इस फिल्म में मारथन मारकंड का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजया की डॉटर का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और उसको डिरेक्ट सिवा रवेल ने किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल तो 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 चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज़ है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए सिक्सटीन प्लस की रेटिंग है कोई न्यू डिटी वर्ग वेब सीरीज में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज़ है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी में तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गैस ट्रेजिडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजडी है उसमें सबसे वर्ष ट्रेजडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइन्टीटी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पर और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे में के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइमलाइट में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको सेक्रीफाइज उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साउल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म में जिस तरह यूनियन कार्बेज के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोवर सेफ्टी मेजरमेंट थे, थे प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई है हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफी टेरिफिक नजर आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गंवा देते कुछ गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जाके चीज़ें हो सकती है लेकिन किसो के भोपाल के लोगों को ये सभी चीजों का भनक भी नहीं था जहां पे ये सब चीजें जब हुई तब जिस तरह से जो चीजें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पे आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मज़बूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कि एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नज़र आती है के के मैनन एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रेट करते हुए नज़र आते इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवान है दिव्य बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाए वो बढ़िया है दिवेंदू जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है बाबिल का खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के, के के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसिस है वो एक टू गए हैं और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज़ में सब सप्लॉट डाले हुए कुछ सप्लॉट्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पर कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप सपलोड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेश बेहतर हो जाती और जो ट्रेजेडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता आर माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंसेज अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मेनर में लिखा जा सकता था वायरेप एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज़ में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है वायरेप की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आर्ट डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नज़र आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावल ने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को दिखाया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलते भोपाल के ट्रेटडी में वो भी अच्छी नज़र आते हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल मिला के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंग हीरोज़ के बारे में बातचीत करती है तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल के ट्रेजेडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजेडी को और थोड़ा डीप में जाके दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसेज जहाँ पे के के मैनन दिवेंदू बाबिल खान आर सभी की परफॉर्मेंस लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते दो चार घंटे की वेब सीरीज है इसे देखना चार एपिसोड में खत्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाई किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 सौ वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा सा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल मैं आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मेन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज़ को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइटअप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह सिखाए वो अच्छा है इसे ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेकलाइन है ये दो के इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविज़न में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रेस ट्रेजिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग्स की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन करीबन पंद्रह बीस हजार लोग उसमें मरे हुए थे जहाँ पे और उसमें करीबन छः लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो द, जो डेट द, थी वो दो दिसंबर 1984 से तीन दिसंबर 1984 तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज़ थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी तरफ से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते ये सभी चीज़ें हुई थी उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज़ का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज़ के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीज़ों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपने तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीजें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है शिव रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई सिर रवेल के द्वारा स्क्रीन प्ले डिरेक्शन तैयार किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मैनन बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज के साथ जुड़ते हुए नजर आए चार एपिसोड की सीरीज है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे एक मिनी सीरीज तैयार की गई है वायरफ फिल्म के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर वा, फिल्म के द्वारा एक मिनी सीरीज तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीजन है वायर एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज में आता है वहाँ पे वो जनरल मैनेजर थे के के मैनन इसमें इफ्तिकार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है यादव इस फिल्म में बल बल्व, बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ है बाबिल खान रायस का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो लोको पायलट थे जो एक इनएक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदुजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्यन्दू भट्टाचार्य इस फिल्म में कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कार्बेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेट से, मेटसन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्राउन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पाहरगवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नपूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया है जो अंजारी की वीडियो है इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की वाइब का रोल है तनु खान ने इस फिल्म में मार्थन मार्कन का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजया की डॉटर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और उसको डिरेक्ट सिवा रवेल ने किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज़ है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए सिक्सटीन प्लस की रेटिंग है कोई न्यूडिटी वलगरिटी इस वेब में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज़ है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी में तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गेस्ट ट्रेजिडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी है उसमें सबसे वर्स्ट ट्रेजिडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइनटीटी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पर और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे मैन के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइमलाइट में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको सेक्रीफाइज उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म में जिस तरह यूनियन कार्बेज वर्कर के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोवर सेफ्टी मेजरमेंट से मेजर से प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफी टेरिफिक नजर आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गवा देते कुछ गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले ही इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जा इस चीज़ें हो सकती है लेकिन किसों के भोपाल के लोगों को ये सभी चीज़ों का भनक भी नहीं था जहाँ पर ये सब चीज़ें जब हुई तब जिस तरह से जो चीज़ें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पे आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉरमेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मजबूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नज़र आती है के के एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोट्रेट करते हुए नज़र आते इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवन है दिव्यन्दू है बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाए वो बढ़िया है दिवेंदु जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है पाबिल काफा खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के के, के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो एक टू बढ़े और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज़ में सब लॉट डाले हुए कुछ सप्लॉट्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पे कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ है। आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप सप्लॉड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेश बेहतर हो जाती और जो ट्रेजडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता आर माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मेनर में लिखा जा सकता था वायरफ एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज़ में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है वायरअप की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज़ हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नजर आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावेल इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को दिखाया आया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलते हैं भोपाल के में वो भी अच्छी नजर आते हैं उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीजों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल cool मिलाकर रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंग हीरोज़ के बारे में बातचीत करती है तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल के ट्रेजेडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजेडी को और थोड़ा डीप में जाके दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसिस जहाँ पे के के मैनन दिवेंदू बाबिल खान आर हमाद उन सभी की परफॉर्मेंसिस लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते हैं दो चार घंटे की वेब सीरीज है इसे डेफिनेटली देखना चाहिए चार एपिसोड में खत्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाई किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने अट्ठारह नवंबर दो को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें 8.7 की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल मैं आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मैन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ Hindi हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज़ को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइटअप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह सिखाए वो अच्छा है इसे जरूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेगलाइन है ये एक दो इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविज़न में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रेस्ट ट्रेटिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग्स की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन करीबन पंद्रह बीस हजार लोग उसमें मरे हुए थे जहाँ पे और उसमें करीबन छह लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीजें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो द, जो डेट द, थी वो दो दिसंबर 1984 से तीन दिसंबर 1984 तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते सभी चीजें हुई थी उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ वैसे में है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीजों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपनी तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीजें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई सीर रवेल के द्वारा स्क्रीन प्लेय डरेक्शन तैयार किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजिडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मैनन दिव्यांदू बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज के साथ जुड़ते हुए नजर आए चार एपिसोड की सीरीज है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे एक मिनी सीरीज तैयार की गई वायरफ फिल्म के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर यशराज वा, फिल्म्स के द्वारा एक मिनी सीरीज तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीज़न है वायर एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही कम्पोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज में आता है वहाँ पे वो जनरल मैनेजर थे के के मैनन इसमें इफ्तिकार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है याद इस फिल्म में बल बल्व, बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ है बाबिल खान इमाज राइज का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो लोको पायलट थे जो एक इनएक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदुजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रि, प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्यन्दू भट्टाचार्य इस फिल्म में कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कार्बेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेट मेडसेन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पाहरगवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नपूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की वाइफ का रोल है तनू खान ने इस फिल्म में मार्थन मार्कन का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजय की डॉटर का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और उसको सिवा रवेल नहीं किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज़ है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए प्लस की रेटिंग है कोई न्यूडिटी वर्गरेटी वेब सीरीज में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी में तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गेस्ट ट्रेजिडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी है उसमें सबसे वर्स्ट ट्रेजिडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइनटीटी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पर और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे मैन के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइम में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको सेक्रीफाइज उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साउल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म में जिस तरह यूनियन कार्बेज वर्कर के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोवर सेफ्टी मेजरमेंट से मेजर्स थे प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी टेरिफिक नज़र आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गवा देते कुछ गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जाके इस चीज़ें हो सकती है लेकिन किसों के भोपाल के लोगों को ये सभी चीज़ों का भनक भी नहीं था जहाँ पे ये सब चीज़ें जब हुई तब जिस तरह से जो चीज़ें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह से दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पर आप ज़रूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मज़बूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कि एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नजर आती है के के मेनन एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रेट करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवन है दिव्यू है बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाए वो बढ़िया है दिवेंदु जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है पाबिल का खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के के, के मैनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो एक टू है और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नजर आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज में सब सपलोड डाले हुए सप्लोट्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पे कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप सपलोड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेश बेहतर हो जाती और जो ट्रेजेडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता आर माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मैनर में लिखा जा सकता था वायरफ एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है वायरब की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज़ हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नजर आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावल इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को दिखाया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलती है भोपाल के स्ट्रेटिडी में वो भी अच्छी नजर आते हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल मिला के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंग हीरोज़ के बारे में बातचीत करती है जिस तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजेडी को और थोड़ा डीप में जाके दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसेज जहाँ पे के के मैनन दिवेंदू बाबिल खान आर सभी की परफॉर्मेंसेस लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते दो चार घंटे की वेब सीरीज है इसे डेफिनेटली देखना चाहिए चार एपिसोड में खत्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाय किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 सौ वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा सा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल मैं आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मेन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मन मेन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो Netflix ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज़ को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइट अप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह सिखा है वो अच्छा है इसे ज़रूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 ये उनकी टेकलाइन है ये एक 2023 के इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्ट्रीमिंग टेलीविजन में मिनी सीरीज है जहाँ पे रेलवे वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी सारी जानें बचाई हुई थी 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था जो ग्रेस्ट ट्रेजिडी हुई थी जो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रेस ट्रेजिडी थी जहाँ पे कई सारे लोग्स की मृत्यु हुई थी बताया जा रहा था करीबन अः करीबन पंद्रह बीस हजार लोग उसमें मरे हुए थे जहां पे अः और उसमें करीबन छ लाख लोग इंजर हुए थे ऐसी कुछ चीजें सामने आई हुई थी और ये ट्रेजिडी है वो द, जो डेट थी वो दो दिसंबर 1984 से तीन दिसंबर 1984 तक की बताई गई थी एक दिन की पूरी ट्रेजिडी थी भोपाल मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हुई थी वैसे इसके जो एक पैरामीटर होते वो भी इस गेस्ट ट्रेजिडी के वक्त केमिकल एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी लोगों को पता था कि इस चीज़ें होने वाले इसके पीछे जो पार्टीज थी जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया हुआ था उस समय के जो नेता थे उनकी तरफ से जो भी लापरवाही हुई थी उसके चलते सभी चीज़ें हुई थी तो उसको प्रॉपर फोकस मैनर में दिखाया हुआ है वैसे मेन फोकस है वेब सीरीज का वो रखा हुआ है इस वेब सीरीज के जो टाइटल है उसके ऊपर रेलवे मैन के ऊपर उन्होंने किस तरह से मदद की हुई थी किस तरह से चीज़ों को उन्होंने जो प्रोटोकॉल थे उसको साइड में रखते हुए अपनी तरफ से जो हेल्प की हुई थी वो सभी चीज़ें उन्होंने इस वेब सीरीज में दिखाई हुई है जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है शिव रवा रवेल ने जो कहानी है वो आयुष गुप्ता ने लिखी हुई सिर रवेल के द्वारा स्क्रीन प्ले डायरेक्शन तैयार किया गया हिस्टोरिकल ड्रामा डिजास्टर ट्रेजेडी वाली जोनर के साथ इसको तैयार किया गया था आर माधवन के के मेनन दिव्यांदू बाबिल खान जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे बाबिल खान के बारे में नहीं जानते हो तो वो इरफान खान के बेटे तो वो इस फिल्म के साथ इस वेब सीरीज़ के साथ जुड़ते हुए नजर आए चार एपिसोड की सीरीज है एक एक घंटे के आसपास के एपिसोड है जहाँ पे एक मिनी सीरीज तैयार की गई वायरफ फिल्म के इसको प्रोड्यूस किया गया था एक वायर वाज वा, फिल्म्स के द्वारा एक मिनी सीरीज तैयार की गई थी उनके जो एक स्ट्रीमिंग डिवीज़न है वायर एंटरटेनमेंट उनके तहत इसको प्रोड्यूस किया हुआ था और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नेटफ्लिक्स को राइट्स बेचे हुए थे हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था म्यूजिक था वो सेम लेटर के द्वारा दिया गया था बैकग्राउंड उसको उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो आर माधवन लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने रति पांडे का रोल प्ले किया हुआ है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो इंडियन रेलवेज में आता है वहाँ पर वो जनरल मैनेजर थे के के मैनन इसमें इफ्तिकार सिद्दीकी का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के मास्टर का स्टेशन मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है यादव इस फिल्म में बल बल्व, बलवंत यादव देखने को मिलते एक चोर का रोल था वो रोल दिवेंदु ने प्ले किया हुआ है बाबिल खान इमाज रायस का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो लोको पायलट थे जो एक इनएक्सपीरियंस थे लोको पायलट थे वहीं पे रिक्यूरिंग कास्ट में आपको सनी हिंदूजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जगमोहन कुमावत एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है जूही चावला ने इस फिल्म में राजशेखर जंगली का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रिंसिपल रेलवे मिनिस्ट्री बुरेकट में इसके अलावा दिव्यन्दू भट्टाचार्य इस फिल्म में कमरुद्दीन का रोल प्ले किया हुआ है जो यूनियन कारबेज का मैनेजर है फिलिप्स रोस ने इस फिल्म में मेड मेडसिन का रोल प्ले किया है जो अमेरिकन हेड है प्लांट्स का जो अमेरिकन हेड है वो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रघुबीर यादव इस फिल्म में ट्रेन गार्ड का रोल प्ले करते नजर आएंगे मंदिरा बेदी ने राजबीर कौर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सिख वुमन है कन्नौर किन ने इस फिल्म में एलेक्स ब्रॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो जर्मन साइंटिस्ट है सुनीता राजवर ने इस फिल्म में विजया का रोल प्ले किया हुआ है जो क्लीनिंग वुमन है इसके अलावा मनीष वधवा ने इस फिल्म में मिर्जा का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत वर्मा ने ईश्वर प्रसाद का रोल प्ले किया हुआ है निवेदिता पार्गवा ने इसमें इमाद मोहम्मद की माँ का रोल प्ले किया अन्नपूर्णा सोनी ने इस फिल्म में राजा साजिया का रोल प्ले किया जो अंजारी की वीडियो इसके अलावा भूमिका दुबे इस फिल्म में नफीजा का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कमरुद्दीन की वाइब का रोल है धनू खान ने इस फिल्म में मार्थन मार्कन का रोल प्ले किया हुआ है आदित्य शुक्ला ने रतलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया यादव इस फिल्म में सोहिनी विजय विजया की डॉटर का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस वेब सीरीज में चार एपिसोड है पहले एपिसोड का लेंथ आपको आ, करीबन छप्पन मिनट का देखने को मिलेगा और आ, उसको सिवा रवेल नहीं किया हुआ है आयुष गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एपिसोड है वो करीबन आपको सिक्सटी फाइव मिनट का देखने को मिलेगा तीसरे एपिसोड को फिफ्टी टू मिनट का रन टाइम दिया हुआ है चौथा एपिसोड है वो सिक्सटी सिक्स मिनट का है तो ये टोटल चार एपिसोड है करीबन चार घंटे के आसपास की एक मिनी सीरीज़ है जिसको एक एक घंटे में कवर किया हुआ है तो इस तरह से इतने कुछ आपको रन टाइम के साथ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे सेंसर कर की बात करें तो यू ए सिक्सटीन प्लस की रेटिंग है कोई न्यूडिटी डिटी वर्गरेटी वेब सीरीज में एड नहीं की हुई है इसकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लाइट करें तो जो सीरीज़ है वो जो रेलवे वर्कर्स है जिन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी नाइनटी में तो उस इंसिडेंट के द्वारा जितने लोगों की उन्होंने मदद की हुई थी जो बचाया हुआ था उसके ऊपर कहानी को मेन फोकस किया हुआ है वैसे बताया बता दे आपको कि ये जो गैस ट्रेजिडी है दुनिया की इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी है उसमें सबसे वर्स्ट ट्रेजिडी माना जाता है अभी तक जो इंसिडेंट था वो दो दिसंबर नाइनटीटी की रात को हुआ था यूनियन गारबेज इंडिया लिमिटेड यू में पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में वहाँ पर और उस उसके बाद तीन दिसंबर 1984 में जिस तरह से रेलवे वर्कर्स ने पूरी तरह से उस रात को दो दिसंबर तीन दिसंबर के रात को जिस तरह लोगों की मदद की हुई थी और जो उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसके बावजूद लोगों की जिस तरह से मदद की हुई थी उसमें इस वेब सीरीज़ को बनाया हुआ है मेकर्स जो थे रेलवे में के उनको स्पेशल ऑपरेशन बनता है अभी तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती आ रही वेब सीरीज बनती अभी तक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर किसी ने बात नहीं की हुई इसमें एटलीस्ट बात तो की हुई है हाँ और भी डीप मैनर में चीज़ों को दिखाया जा सकता था लेकिन चीज़ों को पहली बार मेन में लाइमलाइट में लाया हुआ है जिस तरह से अनसंग हीरोज है रेलवे वर्कर उनको सेक्रीफाइज उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ था वो सभी चीज़ें साउल कई हज़ार लोगों की उन्होंने जान बचाई थी उसके ऊपर चीज़ें बताई गई है तो वो बढ़िया है हाँ इस फिल्म में जिस तरह यूनियन कार्बेज वर्कर के जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसके ऊपर चीजें दिखाई थी जो पोवर सेफ्टी मेजरमेंट थे, थे प्लांट के दौरान जो मेन रीजन था डिजास्टर का उसके ऊपर भी चीजों को लाइटअप किया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ वो काफ़ी नीट मैनर के साथ दिखाया हुआ था जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो उसके इंस्पेक्शन मिनिस्टर थे वो सभी चीज़ों को इसमें थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हुई है हाँ डायरेक्टली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन टारगेट जिस गवर्नमेंट के ऊपर किया हुआ था वो सभी चीज़ें प्रॉपर मैनर में दिखाई हुई है इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी टेरिफिक नज़र आता है इसके अलावा जिस तरह से इनोसेंट सोल इसमें अपनी जान गँवा देते कुछ गद्दारों के चलते कुछ जो घूसखोरों के चलते चीज़ें ये हुई है उसको इस फिल्म में डेफिनेटली इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है भोपाल वालों को पर लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये कुछ चीज़ उनके आसपास चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वैसे काफ़ी साल पहले ही इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया था कि आगे जाके इस चीज़ें हो सकती है लेकिन किसों के भोपाल के लोगों को ये सभी चीज़ों का भनक भी नहीं था जहाँ पे ये सब चीज़ें जब हुई तब जिस तरह से जो चीज़ें स्क्रीन पे देखने को मिलती है आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे और उन गद्दारों के ऊपर आपको एक गुस्सा आएगा जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर उसके अलावा जिस तरह से मेकर्स ने उन पीड़ितों के ऊपर चीज़ें दिखाई हुई जो उस ट्रेजिडी से गुजरे उन सभी चीज़ों को जिस तरह दिखाया हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था वहाँ पे आप जरूर डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे परफॉरमेंसेस की बात करें तो लीड कास्ट की तरफ से एक कम मजबूत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एक रो रस्टिक नेचुरल परफॉर्मेंस नज़र आती है के के एक रिमार्केबल स्टेशन मास्टर का रोल पोर्ट्रेट करते हुए नज़र आते इसके अलावा इस फिल्म में आपको और भी कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे आर माधवन है बाबिल खान है अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देते हुए नजर आते जो कास्ट की चॉइस थी वो काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाए वो बढ़िया है दिवेंदु जिन्होंने आप जिनको आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा उनका इस फिल्म में काम काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलता है बाबिल का खान जिन्होंने आपने अभी तक इतना कुछ देखा नहीं होगा लेकिन के, के, के मेनन को इस फिल्म में वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो एक टू गए और जिस तरह से आर माधवन इस फिल्म में अपना काम करते हुए नज़र आते हैं वो लाजवाब है इस फिल्म के इस वेब सीरीज में सपलोड डाले हुए कुछ सप्लॉड्स अच्छे कुछ ठीक ठाक हैं उसको अगर थोड़ा आप ध्यान रख लेते तो चीज़ें और क्रिस्प हो सकती थी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर थोड़ा डीप में डिटेलिंग में फोकस करके दिखाते तो और बेहतर रहता जैसे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मेकर्स ने हाथ नहीं लगाया हुआ है उसको छोड़ दिया उसको और डिटेलिंग में दिखा देते तो और बेहतर रहता हो सकता है वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते ऐसा कुछ होगा पता नहीं क्योंकि चीज़ें वहाँ पर कुछ छोड़ दी जाती है अगर उसको और बेहतर मैनर में दिखाते तो बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो चीज़ें वो थोड़ी फास्ट पेस के साथ आपको दिखानी चाहिए थी क्योंकि अगर आप सपलोड डाल रहे हो उसमें कुछ इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो चीज़ें बेहतर अगर दूसरी चीज़ें ऐड कर देते तो चीज़ें पेस बेहतर हो जाती और जो ट्रेजिडी के अराउंड जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहे था माधवन का किरदार बढ़िया था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंसेज अच्छी दी हुई थी लेकिन उस किरदार को और बेहतर मैनर में, में लिखा जा सकता था वायर एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया इस वेब सीरीज़ में ऐसा लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है वायरेप की तरफ से मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ढंग का कंटेंट देखा हुआ है कि उनकी तरफ से एक अच्छा खासा कंटेंट रिलीज हुआ हो ये इसका जो सेट तैयार किया गया था वो काफ़ी लाजवाब था आठ डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से की गई है इसके अलावा जिस तरह से वो पीरियड को रिक्रिएट किया हुआ है वो अच्छा था विजुअल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो काफ़ी सॉलिड नजर आती है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था स्टनिंग था डायरेक्टर शिव रावल ने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज के साथ काम किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को बजट के साथ जो इस तरह इस प्रोजेक्ट को दिखाया हुआ है जो रिसर्च उनके देखने को मिलते हैं भोपाल के ट्रेजडी में वो भी अच्छी नज़र आती है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है कुल मिला के रेलवे मैन एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ है जहाँ पे अनसंग हीरोज़ के बारे में बातचीत करती है तरह उन्होंने लोगों की जान बचाई हुई है रेलवे मैन रेलवे वाले पर्सनस ने उनके ऊपर चीज़ों को फोकस किया हुआ है आप भोपाल के ट्रेजेडी के ऊपर थोड़ा और लाइट अप कर देते उस ट्रेजेडी को और थोड़ा डीप में जाके दिखाते तो और बेहतर रहता लेकिन चीज़ें है वो रेलवे मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए वेब सीरीज़ के टाइटल के हिसाब से तो वो भी बढ़िया ही है जहाँ पे सभी की कास्ट की परफॉर्मेंसेज जहाँ पे के के मैनन दिवेंदू बाविल खान आर उन सभी की परफॉर्मेंसेस लाजवाब थी और टेक्निकली भी अच्छी थी एक छोटी स्वीट छोटी कह सकते दो चार घंटे की वेब डेफिनेटली देखना चाहिए चार एपिसोड में खत्म किया हुआ है इस वेब सीरीज़ को बाई किया हुआ नेटफ्लिक्स वालों ने वायर एफ एंटरटेनमेंट ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने 18 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक इसको 2600 सौ वोट आई के ऊपर मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी रेटिंग के साथ एक अच्छा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है अगर फिलहाल में आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर द रेलवे मैन नाम के साथ देख सकते हो जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को हिंदी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और चार एपिसोड अवेलेबल है तो इन सभी एपिसोड को आप ऑफिशियली वहाँ पर एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि द रेलवे मैन मेन वेब सीरीज़ को अगर आपको फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो Netflix ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी वर्जन में चार एपिसोड है इन एपिसोड को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो इस वेब सीरीज़ को आप ऐसे इन्जॉय कर सकते हो एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सीरियस मुद्दे को लाइट अप किया हुआ है वो बढ़िया है चीज़ों को जिस तरह सिखाए वो अच्छा है इसे जरूर देखना चाहिए एक अच्छी वेब सीरीज़ है तो बस गाइज द रेलवे मैन द टोल स्टोरी ऑफ भोपाल नाइन एटी फोर वेब सीरीज के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए वेब सीरीज को किस तरह से ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्स सॉरी प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की हुई है वहीं पे मैंने प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है कहानी के ऊपर डीप में चर्चा किया हुआ है जो ट्रेजिडी हुई है उसके ऊपर चर्चा किया हुआ है इसके अलावा आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू